لا 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 هلا اجى الزعيم العظيم على ديب بدفك गुंडा तो मेरा टांग गया था। ए देवा क्या करता दादा को भी मार देना क्या बजे जी गेस्ट Assalamualaikum, hey guys, what's up everybody, this is my name is Dados, back in again with a new video. Okay guys, अभी मैं जो है ना मार्केट को आता, छोटी सी एक मार्केट है और बड़ी खूबसूरत मार्केट है, बहुत बेला बहुत खूबसूरत है. सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे बिल्डर भाई के साथ में हुए और बिल्डर भाई का नाम ही है बिल्डर भाई, ठीक है. तो इनकी है चीज़ जो मार्केट है ये, इनसे पहले सबसे पहले मैं रेट्स पूछूंगा बिल्डर भाई को, ज़्यादा तकलीफ नहीं है तुम्हें. बिल्डर साहब यहाँ से स्टार्टिंग रेट कहाँ से बोले आप? नहीं, 27,000 से स्टार्ट है, तो 85-90,000 तक है. और अपना जो 90,000 का जो बुल रहेगा वो मार्केट में आप कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तो 1-2 लाख का रहेगा. हाँ, अपने वही बुल जी बिल्डर साहब. बिल्डर साहब थोड़ा तंग करने वाला लेकिन आगे संभालिए बिल्डर साहब. आप लोग आप अभी जो बोले मेरे को तरीके से रेट इसके और आपका प्राइस और मार्केटिंग प्राइस जो चल रहा है आपके पास प्रेजेंट और वहाँ पर चलने वाला है दूसरे शहरों में दूसरे मार्केटों में जो रेट बोलने वाले हैं, उससे पहले आप इन लोगों को ये तो बोल दिया आपका एरिया और आपका लोकेशन आपका नंबर वगैरह सब बोल दिए तो शायद अच्छा रहेगा. डिस्क्रिप्शन का नंबर डालूंगा मैं, आपका एरिया का नाम बोल दूँगा. मेरे एरिया का नाम शास्त्रीपुरम है, अदीबा होटल के पास हुए अपना मस्जिद सत्तार के पास की बाउंड्री में रहते हैं अपन. और जैसा मेरा मोबाइल नंबर है 8300-99-99-208 है. इंशाल्लाह आपको कभी भी आइए, हर साल मिलेंगे आपको मान लीजिए. इससे पहले आना पड़ेगा उसके लिए, अगर बेहतरीन सा शानदार सा काटने के लिए चाहिए आपको एक जानवर तो बिल्डर भाई का इससे पहले आना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले आपको दिखा दूंगा मैं कौन से है यहाँ पर. बहुत डर लग रहा है मेरे को यहाँ, पहला वो डेंजर डेंजर लड़ ले रहे हैं मेरे साथ मैं आने के बाद शायद. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन से स्टार्टिंग 1.5 लाख से शुरू, मतलब जो मार्केट में चलने वाला दूसरी जगह मार्केटों में रेट दिखाए थे उसका रेट से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है. वहाँ से स्टार्ट कर दो मैं जो शानदार से बैला है. चलो अगर ये बैल की आप मतलब जो पर्सनैलिटी है वो देखेंगे तो शायद इतना प्राइस बहुत कम लगेगा आपको, जो घर के सामने लगेगा इस तरीके का बैल काटने के लिए माशाल्लाह. और बड़ा खूबसूरत भी बैल है बिना खिरोच लगे उसका. ये आपको 75,000 में आ जाएगा, ये वाला भाई 75,000 शानदार है. देखो यहाँ जरा मार रहा नहीं देखे क्या प्राइस अच्छा प्राइस क्या है इसका बिल्डर साहब? ये सिर्फ 85,000 में आएंगा आप, सिर्फ 85,000 मार्केट में बनेंगे तो ये बुल आपको जो है तो 1,50,000-1,70,000 में आपको रेट बताएंगे. अपने का जो है तो सिर्फ 90,000 में आएगा 85,000. थोड़ा इसको इधर हटा लो, बहुत शानदार देखिए ये कितना प्यारा बुल है और ये मारेगा ना किसी को, छोटा बच्चा भी लेके जाएगा तो साथ आएगा. बिल्डर भाई मेरे को आप सबसे पहले ये बताइए आप मेरे को कि बकरी से कितने दिन पहले लगाते आप? 15-18 डेज पहले लगाते. 15-18 डेज अच्छा, उससे पहले क्या शानदार रहते, मतलब जिस टाइम आएगा जल्दी आ गया समझो, इससे पहले बहुत जल्दी आ गया. इससे पहले आप आए तो अपने का रेट भी डिफरेंट रहता है. हाँ हाँ, अब जो बता रहा हूँ मैं रेट, ये रेट डिफरेंट है इससे पहले, जैसा मैं 15 डेज पहले जब लगाता हूँ जब आए तो वो रेट भी डिफरेंट रहता है. अच्छा जी, तब्दीली हो जाती है इसके अंदर जी. हाँ, उसके बाद जिना खरीद में आते तो आप अभी भी अभी समझो आप सारे के सारे बिक गए आपके पास. हाँ, होता उस टाइम पे आप इससे शानदार और भी ज़्यादा शायद माल ले. अभी तक मेरी तीसरी ट्रिप है ये, माशाल्लाह तीसरी ट्रिप है. और जो पीछे जितने भी जानवर दिख रहे हैं वो पूरे बिके हुए हैं. ये पूरी अभी सबसे पहले हमारे बिल्डर भाई मेरे को
इन सारे बैलों के नामा और वैरायटीज शायद पब्लिक आती ना के पास कि ये वैरायटी का चाहिए काटने के लिए जानवर, ये वैरायटी में कौन सा वाला कितने वाला पैसे मिलता है उसमें, ये सारे बताएं अगर बोलेंगे तो शायद अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए और मेरे लिए भी आपके लिए भी। ये अपने अंगुल का है, कौन सा वाला अंगुल? अंगुल का है ये वाला अंगुल है जी। क्या प्राइस है इसका? ये आपको 32 में आ जाएगा। अच्छा, अब ये उससे भारी का है, ये भी अंगुल का है, अंगुल भी है। हाँ, ये 38 तक आ जाएगा। 38,000। हाँ अच्छा, ये वाला? ये कर्नाटक का है। कर्नाटक। हाँ हाँ, इसका प्राइस? ये 34-33 तक आ जाएगा। 34-33 जी। आप डायरेक्टली कम करके ही बोल दे रहे, डायरेक्ट कस्टमर को आने बस। अच्छा, कस्टमर आना डायरेक्ट लेकर चले आना। हाँ हाँ, वो बढ़ा के कम करना ऐसा उतार चढ़ो के छोड़ा ही नहीं, उतार चढ़ो के छोड़ा नहीं रहते। अच्छा, ये 29 का है। वो 29,000 का है। 29,000। अरे छोटा वाला जो है हाइट में थोड़ी सी कम, हाइट में शानदार है, बड़ा गर्म भी है बहुत, हाइट में कम है और गोले। ये आपको 26,500 में आ जाएगा। 26,500। ये वाला बैल? ये कौन सी ब्रीड है? ये वाली ब्रीड ये कोइर की है, कर्नाटक कोइर, हैदराबाद कर्नाटक का बना का है, कोइर की है ये। हाँ, ये आपको 34 में आ जाएगा। 34,000। ये भी उंगुल का है ये। हाँ हाँ, ये सिर्फ आपको 38,000 में आ जाएगा। 38,000। अंदर अपना कश्मीर का भी बता दो। कश्मीर ये वाला? ये भी कर्नाटक कोइर का है, ये जो है तो आपको 34 में आ जाएगा। 24,000 में ये वाला आ जाएगा। कर्नाटक का है, सेल हो गया। सोल आउट है। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। ये 34,000 का है। 34,000। हाँ, वो भी सेल हो गया सर। अच्छा, ये 32,000 में गया, ये भी सेल हो गया। सेल हो गए, शानदार है बहुत। ये 30,000 में जाएगी, उंगुल का है। 30,000 चले गया, ये सेल हो गया। सोल आउट जल्दी करेंगे अभी, कितना अच्छा बोलने का मतलब, सारे के सारे सॉलिड हो जा रहे हैं यहाँ पर। ये 28,000 का है। ये भी उंगुल है? हाँ उंगुल है, ये भी सेल हो गया। सेल हो गया सॉलिड। ये 34,000 में गया। 34,000 में चले गया। चले, क्या ब्रीड है वो? ये अपनी तेलंगाना की बुलबुल देता फुल पाड़ा, प्योर पाड़ा होता है। हाँ दिख रहा है, इतना शानदार है, कलर में भी खूबसूरत है बहुत। ज़ूम करके गर्दन देना बोल रहा, उतना शानदार है। हाँ हाँ, थोड़ा स्पेशल तरीके से दिखाओ उसके, एक घर का पल है। हाँ माशाल्लाह भाई, बहुत खूबसूरत है जी बंदा। ये घर को रख लिया मैं, आप खुद के लिए घर पे रख लिए काटने के लिए। बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार है माशाल्लाह। ये वो ब्रीड का है, वो जलाकटू कर देना, पकड़ दे देंगे। अच्छा वो ब्रीड का जो फ्लियो में आता वो वाला है यहाँ पर, मेरी वीडियो में आ जा रहा फिलहाल, अभी घर के लिए कटने वाला है। पकड़ो ना भाई, चलो भाई स्टार्ट। आवाज हमारा भाई, हिम्मत डालो, थोड़ा सा आवाज डालो, ठीक है? हमारा भाई मेहनत न करे।
जो कुछ कर रहे सब हम कर रहे। हाँ दिख रहा हूँ माशाल्लाह के पास डंडा है जो बैल का सर है। तो लाने की सबको डर लगता, बिल्कुल डर लगता है साहब, बिल्कुल डर लगता है। तीनों को अकेले हम लाए। आप संभाल रहे कैसा लोगों को ये बताइए मेरे को। अब इसका जिगर रहता अल्लाह को संभाल सकते, इसका ताकत इसका जिगर रहता अल्लाह को संभाल सकते। अब हर जने को नहीं संभाल सकते, अब सब जने डरते हैं। अब हमारे पास देखो ऐसे और छह थे और तीन थे, वो तीन भी थे, वो जोड़ी थी। हाँ हाँ वो सस्ते में भी थे वो। तो आप बहुत मेहनत करें इसका मतलब भूलने का। बहुत मेहनत दिख रही माशाल्लाह मेहनत आपकी। कैसा पकड़ लेके ठहरे थे आप?